गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक है गाइस। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 10:30। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं मीरा मार बोल के एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही रिसोर्ट है, तो कभी नहीं गए हैं। आज जो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रोहित को साथ में लेके। वहाँ तो गर्लफ्रेंड को लेके जा सकते हैं, फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो लेके जाएंगे। तो शाबाश, इसलिए रोहित को लेके जा रहे हैं साथ में, क्योंकि वो कुछ दिन बाद शादी करने वाला है। उसको दिखा देते हैं क्योंकि कुछ साल बाद वो जा सकता है अपना बीवी के साथ। तो सोच रहे तेरी मानना पड़ेगा, तो देख सकते हैं इसको। दोस्त जागा ना, देखे भाभी को लेके जाएगा ना एक दिन बाद। हाँ ठीक है, तो इसी को दिखाने लेके जा रहे हैं, उसको भी दिखा देते हैं, आप लोग को भी दिखा देते हैं। तो चलिए क्या क्या होता है वहाँ पे और क्या क्या है सारा कुछ दिखाते हैं आप लोग को। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? आगे रास्ता चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं ठाकुरगंज शिव मंदिर। शिव मंदिर से हम लोग को नीचे होकर जाना पड़ेगा, तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। तो ये सामने हमारा शिव मंदिर, जय हो भोले बाबा। ये रास्ता दोस्त किधर जा रहा है दोस्त? चलो ये रास्ता जाना पड़ेगा हम लोग को सीधे। अभी ये देखिए गाइस, गाइस नहीं देखने से यही होता है, इसलिए बोलते देख लो, मेरे साथ हो तो देख लो सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगा भौजी को ले आने में, ठीक है? दिखा देते हैं, ये देखिए गाइस रास्ता। अभी हम लोग आगे पहुंचे हैं चेंगा घाट में। यहाँ का चेंगा घाट दिखाते आप लोग, बहुत ही ज्यादा फेमस है चेंगा घाट बालू के मामले में। तो ये है चेंगा घाट, देख सकते हैं, और ये है इसका किला, और उधर है देखिए बालू यहीं से उठता है। और हम लोग ज्यादातर जो है घर जो हम लोग का यहीं से बालू जाता है घर बनाने के लिए, बालू सब बहुत कोई का। ये देखिए घाट, यहाँ से कूला था, अभी जो है बंद है, नया कूला बना है, और यही है घाट। आगे दिखाते आप लोगों को, मुरालीगंज। मुरालीगंज से जो है हाईवे स्टार्ट होता है, कौन सा हाईवे पता नहीं हमको, ठीक है, पता चल जाएगा आप लोग। अरे ये देखिए मुरालीगंज, तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग मीरा मार। तो ये देख सकते हैं हमारे सामने है मीरा मार। तो ये मीरामार जो है पड़ता है आपका बंगाल में, जो कि सोनापुर और जो है विधाननगर के बीचों बीच आता है। मतलब कि जैसे आप लोग देखे कि हम लोग पार किए, कौन सा गांव पार किए रोहित? अभी मुरारीगंज पार किए, तो ऐसे मतलब एक कदम में या एक किलोमीटर के दूर में है तो मीरामार है। आइए आप लोग, अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी तो अंदर जाके पता नहीं किए, चाहते हैं क्या क्या मिलता है खाने का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और यहाँ का व्यू तो बहुत ही तगड़ा है, यहाँ का साफ सफाई भी थोड़ा बहुत सही है। तो सारा कुछ दिखाते हैं आप लोगों को और क्या क्या होता है, क्या क्या खाते हैं हम लोग, ठीक है? दिखाते आगे। तो गाइस सबसे बेस्ट जगह जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं?
आराम से गुटुर गुड़ को करने के लिए 1, 2, 3, 4 बनाया हुआ है। आप लोग आ सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आके गुटुर गुड़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी दिक्कत नहीं है। आप लोग आइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हम क्यों बोलेंगे यार, आप लोग बता देते, ठीक है? सबसे बेस्ट जगह है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जा। देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है, मेरा तो है ही नहीं तो क्या बोले साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आइएगा, आप यहाँ बैठिएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बैठाइएगा, उसका दोस्त को यहाँ बैठाइएगा, उसका और एक दोस्त को यहाँ बैठाइएगा। मस्त प्लान है, लेकिन हम जो है अकेले बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है? देख सकते हैं, बैठिए। और लाइन ऑन चले जाने से लालटन है। ओ, ये तो लालटन नहीं है, ये तो नया तकनीक का बल्ब है, डिजाइन वाला, देख सकते हैं। आइए, ऊपर पंखा भी है, ठंडा का टाइम, इसलिए आप लोग ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो अगर ठंडा से हालत खराब हो जाएगा। और साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अच्छा है। और चारों तरफ तो झाड़ झूर है, लेकिन मस्त लग रहा है, क्या ही बताए, क्या ही बताए, क्या बोले और इसके बारे में। गर्लफ्रेंड होती तो और भी मजा आता। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन मेरा दोस्त को दिखा देते हैं, शादी ब्याह करेगा ना, उसके लिए दिक्कत नहीं होने वाला है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ गाइस देख सकते हैं, लकड़ी के डिजाइन में बनाया गया है, ये बहुत ही जबरदस्त लगता है। लेकिन अभी जो पानी नहीं है इसमें, लेकिन कुछ सालों बाद इसमें पानी डाला जाएगा, कुछ सालों की बात नहीं है, कुछ दिन में शायद, हम लोग आए तो पानी इतना सूख गया है। और ये देखिए, ये है सिर्फ चढ़ने का, ऊपर करके देखे क्या बोलना दे भाई, ये देखिए जबरदस्त पानी गिरता है वहां से। ये चील की निगाह है मेरी, चील की। और ये देखिए पत्थर, बहुत ही अच्छा लगता है, अगर इसमें पानी होता तो और भी अच्छा लगता है। हटाइए, रहने दीजिए, जिसका है वो समझे। और यहाँ पे लिखा हुआ है मीरा मार, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, आप लोग दिखाते हैं। ये देखिए मीरा मार, ये देखिए, और सामने में चील, देख सकते हैं गाइस, ये रास्ता है, इसके अंदर दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए क्या गजब पेड़ सब, ये किस चीज का पेड़ है यार, लगाया है कि अपने आप हुआ है। ये देखिए पुराना, और ये रास्ता, हाँ पुराना है, पुराना क्या बात है। ये देखिए गजब, हाँ हाँ, ये गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ये देखिए यहाँ निकलिए, और यहाँ से हाईवे दिख रहा होगा, ये पार्किंग स्पॉट है, और ये निकलने का रास्ता है, और सामने में है ये व्यू, वाओ, लुकिंग सो वाओ। जो हम इसके अंदर घुस के आप लोग को दिखाते हैं, फुल स्पीड में दिखाते हैं। चुके अंदर, अब यहाँ से शुरू होता है मेनू। क्या खाया है दोस्त? गाइस एक कॉफी जो है 70 रुपए का है, यहाँ पे खाने के साथ साथ पिछवाड़ा भी बिक जाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर जो आ गए है, लेकिन हम लोग ने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी, दिखाते हैं आप लोग प्राइस क्या है, और दुकान से ज्यादा। ये देखिए चिकन बिरयानी 230 रुपया दो प्लेट, जो कि हमारे बच्चन भाई की दुकान में 130 रुपये मिल जाता है, 100 रुपया एक्स्ट्रा। खाते हैं देखते स्वाद अनुसार, जो यहाँ का जो प्राइस ले रहा है, मतलब कि ये देखने का प्राइस देगा, दिखाते हैं आप लोग कैसा है। देखिए आपको बोलेंगे मत किसी को, ठीक है? सोचिए ले आने का, तो लेके नहीं गए।
गाइस बहुत इंतजार करने के बाद हमारा आ चुका है चिकन बिरयानी। तो इसको दिया गया है लेग पीस, हमको नहीं दिया है, ये है सलाद। अब इसको डाल के दबा के खाएंगे, दबा के आप लोग लास्ट सब्सक्राइब ठोकेगा, ठीक है? आराम से दोस्त, सब्र करो थोड़ा सा, ठीक है? सब्र नहीं हो रहा क्या? तो क्या गलती है, दिखा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। हम हैं तो किस बात का टेंशन है? तो ये देखिए, ये है मोटने के लिए और ये है लैट्रिन करने के लिए। वाह, शुद्ध शौचालय। तो देख सकते हैं सुसु करने के लिए, और ये है आईना, मस्त स्मार्ट लग रहा है ना। यहाँ पे बेसिन है हाथ धोने के लिए, मस्त चकाचक लग रहा है ना, हीरो के माफिक अच्छा लग रहा है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। मीरा मार से तो रेस्टोरेंट से निकल गए, लेकिन क्या बताए, लूट लिया हम लोग को आज। ओ भैया धोखा, अच्छा से लूट लिया। जो बिरयानी हम लोग को जो क्या कहता है बच्चन के पास 130 रुपए में मिलता है, वही बिरयानी हम लोग को 230 रुपए में मिला। पार्टी बदल लिया साला, क्या ही बताए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर नहीं आए और उसके बाद खाए नहीं, तो आप लोग भी सोचेगा क्या है कि आते हो खाते नहीं हो, और ये लोग भी सोचेंगे क्या आदमी आ गया है जो खाता नहीं है, बस खाली घूम के फोटो वीडियो बनाकर चला जा रहा। तो खा लिए, अच्छा लगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्या बताए, उसमें लौंग इलायची डाल के ना, अदरक लहसुन डाल के बहुत ही मूड खराब कर दिया। अच्छा खासा पोपट तो हुआ ही, लेकिन क्या करे। अब हमारे सर का देख सकते हैं, एक दो फोटो क्लिक करेंगे, मस्त लग रहा है, भौजी को सेंड करेंगे, है ना? क्या बात है, क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। खा लिए, बस थोड़ा बहुत फोटो शूट भी कर ले, वो सारा फोटो आप जो है आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को दिख रहा होगा, वो आईडी जाके सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, सारा आप लोगों को यहाँ पर अपडेट मिलते रहेगा। तो चलते सीधे आप घर की ओर, बहुत लेट हो गया, उतना जितना सोचे थे मजा आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आया। क्या ही बताए, महंगा है लेकिन मिला जुला के सही है, क्या ही बताए। चलते घर और आप लोगों को सारा कुछ घर में बताएंगे, ठीक है? दोस्त कैसा रहा तुमको? मिला जाके सही था ना, कि महंगा बहुत है। अगर आपको अगर पसंद है महंगा रेस्टोरेंट तो आ जाइएगा, लेकिन हमको तो पसंद नहीं, हमको तो अपना बच्चन भाई पसंद है। 130 टका में बिरयानी, यहाँ पे 230 टका में बिरयानी, वहाँ पे 130 टका में बिरयानी, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कभी कभी आ जाते हो ठीक है, फिर घर की ओर आ जाना। हम लोग घर ही जा रहे थे, तो हमारे एक दोस्त ने जो है, हमारा मतलब की दोस्ती है, ठीक है, वो बोला कि एक काम कीजिए, आप एक शॉर्टकट रास्ता बता रहे आपको, मेरे घर होके उन्हीं के घर होके सीधे से जा रहे शॉर्टकट रास्ता। वो स्पेशल दोस्त है, लेकिन उसका आप लोग फेस नहीं दिखाएंगे, क्या समझ रहे हैं? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। फेस नहीं दिखाएंगे, ऐसे जाएंगे उसके घर होके, उनसे मिल लेंगे और आप लोगों को दिखा देंगे। होगा तो देख सकते हैं क्या क्या गली कुच्ची होकर जाना पड़ रहा है, देख सकते हैं पूरा खेत खेत। इधर देखिए अनारस का खेत, इधर देखिए अनारस का खेत, चारों तरफ अनारस का खेती खेत है। या हम लोग मीरामार से आ रहे थे घर, तो मम्मी का कॉल आया कि साथ में एक गैस चूल्हा भी लेके आ जाना। तो अभी हम लोग ठाकुर में रुके, तो हम लोग आए थे मानक भाई के पास गैस चूल्हा लेने के लिए, तो ये गैस चूल्हा ले लिए हैं, लेकिन इसका मार्केट में प्राइस है 1600 रुपया और ये हमसे लिया 1800 रुपया। लिया ना तुम ये, लेकिन बहुत गलत किया। और देखिए राजा भैया भी मेरा साथ नहीं दिए, ये गलत के भैया, बहुत गलत के, देख सकते हैं। चलिए ये दुकान राजा भैया का, खाद उद लेना है तो आ जाइएगा। और ये मनंग का दुकान है, देख लीजिए। और ये है मेरा बेटवा, देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो गाइस अभी आ चुके हैं हमें भी घर में, मीरामार से लगभग ठाकुरगंज में आए, लगभग 5 बजे पहुंचे घर, आते आते हम लोग 6 बजी है।
तो अभी आके घर पहुंचे हैं, तो सोचे कि आप लोगों को कुछ बता दें। बता दें ये कि हम लोग तो आप लोगों को पता है कि मीरामार गए थे, मीरामार में क्या क्या हुआ आप लोग देखा ही किया। प्राइस मतलब हाई लेवल का, खाना से लेकर पीना से हर कुछ प्राइस हाई लेवल का था। तो हम लोग तो खाना ही मतलब बिरयानी ही खाए, तो बिरयानी का हम लोग का 230 रुपया लिया, जो कि हमारे बच्चन भाई के दुकान में मतलब दुकान में अच्छा खासा में मिल जाए, हाफ फुल प्लेट हाफ प्लेट में अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब कि 230 रुपया था, ऐसे ठावर में आप बच्चन के पास जाएंगे तो 130 रुपया में आपको फुल प्लेट अंडा के साथ आप लोग को बहुत ही अच्छा रेंज में मिल जाता है खाना में। ठीक है ठाक है, मिडिल क्लास लोगों के लिए मीरामार नहीं है तो नहीं जाए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हाई लेवल है उस तरह का आप लोग प्राइस नहीं कर पाइएगा। हमारे लिए तो सही नहीं है, मिडिल क्लास लोगों के लिए। अगर कोई रिच आदमी दिख रहे तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फोटो वोटो क्लिक करने के लिए अच्छा जगह है, मतलब कि वहां जाके बैठेंगे खड़ा होंगे ना तो 5-10 मिनट के लिए जा सकते हैं। अगर ज्यादा देर रुकेंगे फोटो को क्लिक करेंगे तो सीधे बोल देंगे गार्ड वाले कि यहाँ पे फोटो अलाउड नहीं है, आप फोटो नहीं खींच सकते। ज्यादातर देख लेंगे तो जाइए अंदर में, खा पी के निकल जाइए। तो हम लोग भी वहां भी देखिए कपल लोग बाहर में घूम रहे थे तो मना कर रहे थे, कपल लोग के लिए थोड़ा बहुत सही नहीं है, मतलब खा पी के आराम से आ सकते हैं। तो ठीक है ठाक था मिला जुला के। आप लोग कैसा लगा, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और उसे सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्या क्या है मीरामार में, दिखाना तो बनता ही आप लोगों को। और हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका मैं जो बेल आइकन उसको भी दबा देना। तो क्या जिले में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम।